हमें पता लगा कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई कितने रुपीज से, 100 रुपीज से। तो हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई 100 रुपीज से, हमने लिखा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 100 रुपीज और दोनों साइड के टोटल इक्वल। हम बात करते हैं अगला कॉलम है इफेक्ट ऑन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये दो कॉलम आपने और बनाए इंक्रीज और डिक्रीज, वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया। तो आप ध्यान रखिए जब भी करंट असेट इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और यदि करंट असेट आपकी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी डिक्रीज होती है। करंट असेट इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज, यदि आपकी करंट असेट इंक्रीज हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल भी ऑल्सो भी इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। करंट एसेट्स यदि आपकी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी क्या होगी डिक्रीज। लेकिन लायबिलिटी में जस्ट रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट होता है, रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है। लायबिलिटी यदि आपकी फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल आपकी होती है डिक्रीज, और यदि लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल हमारी होती है इंक्रीज। तो ध्यान रखिए लायबिलिटी में वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट होता है, लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी यदि आपकी इंक्रीज हुई तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, और यदि करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। फिर से कह रहा हूँ समझाने के लिए, आपको बताया जब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर फिगर के साथ अपन इस चीज को सॉल्व करेंगे, तीनों के तीनों फॉर्मेट्स हम उसमें क्लियर करेंगे, प्रॉपर एक क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अंदर के फिगर्स कॉपी नहीं करने, केवल वो समझाने के लिए बताए हैं, तो हमें केवल केवल जब आप उसको नोट डाउन करेंगे तो केवल प्रोफॉर्मा को ही कॉपी करना है। तो सबसे इजी स्टेटमेंट था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इट्स वेरी सिंपल। इट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम इज आइटम्स, सेकंड कॉलम इज प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट कॉलम इज करंट ईयर, एंड लास्ट टू कॉलम्स इज इफेक्ट ऑन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया, या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, दो ही कॉलम है। डब्ल्यू सी कैसे निकालते हैं, बहुत इजी, सी ए में से किसको माइनस कर दो, सी एल को, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपकी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। और क्यों इस स्टेटमेंट को बनाया जा रहा है, तो इसका इतना सा आंसर है, हमेशा ध्यान रखिए कंपेयर करना वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है या फिर वर्किंग कैपिटल क्या होती है डिक्रीज होती है। तो इसके अलावा मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम को भी सेट करना सिखाया, एसेट इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी डिक्रीज होगी। लेकिन लायबिलिटी में जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होगी डिक्रीज होगी, और यदि लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल विल बी इंक्रीज। और एक चीज ध्यान रखनी है, इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम का हमें कभी भी इंडिविजुअल टोटल नहीं लगाना, इनका लास्ट में ग्रैंड टोटल लगता है, और एक साइड का बैलेंस आपका कम आएगा और वो कितने से आएगा, जितने से आपका वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है। यानी आपकी वर्किंग कैपिटल जितने भी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज आ रही है, इंक्रीज डिक्रीज कॉलम में एक साइड डिफरेंस उतने ही अमाउंट से आएगा। ये इसको एक क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है कि हमने एग्जाम में डब्ल्यू सी स्टेटमेंट हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो कुल मिलाकर पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ, इट्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर टू, जो कि हमारा होगा इट्स फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेप नंबर टू कौन सा है हमारा, उम्मीद करता हूँ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बना रहे हैं स्टेप नंबर टू, इसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेप नंबर टू क्या है हमारा, इट्स फंड फ्लो स्टेटमेंट। आइए देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो स्टेप नंबर हमारा जो टू है या बी बोल दीजिए, इट्स फंड फ्लो
स्टेटमेंट। अब यदि हम बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तो इसमें भी बेटा टोटल आपके दो कॉलम्स मेंटेन होंगे। फर्स्ट कॉलम इज इट्स सोर्सेज ऑफ फंड, पहला कॉलम क्या होगा इट्स सोर्सेज ऑफ फंड। नेक्स्ट कॉलम इज अमाउंट, एक कॉलम हमारा मेंटेन होगा, एक साइड हमारी मेंटेन होगी एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और कई बुक्स में ये यूजेज ऑफ फंड भी लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो एप्लीकेशन ऑफ फंड यूज करें और आप चाहें तो यूजेज ऑफ फंड यूज करें, जो टर्म आप यूज करना चाहें। चलिए हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां कहां से आता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसे को आपने यूज कहां किया, नाम से पता लग रहा है खर्च कहां किया, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड या यूजेज ऑफ फंड। अब मैंने ये बात करी आपसे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां कहां से आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी मैं वर्ड रिप्रेजेंट करूंगा तो हम यहां बात केवल और केवल बिजनेस के एक ही टाइप की करेंगे, वो है कंपनी, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर कंपनी के ऊपर बेस्ड है। चलिए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी में सबसे पहले पैसा कहां से आता है, तो कंपनी मार्केट में अपनी इशू करती बेटा वाया इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी और एज वेल एज प्रेफरेंस, जो कि आप बचपन से ट्वेल्थ क्लास अकाउंट से पढ़ते रहे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंपनी के पास पैसा लाने का इशू ऑफ शेयर, दूसरा ऑप्शन वाया इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी मार्केट में अपनी क्या इशू कर सकती है डिबेंचर, और डिबेंचर का ही मॉडिफाइड नेम आजकल होता है बॉन्ड। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आ सकता है, तीसरा ऑप्शन होता है कंपनी के पास रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन वाया बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और कहां से पैसा आ सकता है बेटा, पैसा आएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यदि कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट को बेच दे, यदि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दे तो भी पैसा आएगा। और कहां से पैसा आएगा, डिविडेंड रिसीव, जरूरी थोड़ा है कि आपकी कंपनी में ही लोगों ने पैसा लगा रखा है, आपकी जो कंपनी है उसने भी दूसरी कंपनी में पैसा लगाया हुआ हो सकता है। तो बेटा जब आपने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया है तो आपको डिविडेंड पे नहीं करना, आपको डिविडेंड मिलेगा। और कहां से पैसा आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, और कहां से पैसा आ सकता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट FFO प्रॉफिट। और कहां से पैसा आ सकता है, यदि आपकी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाए तो भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा या फंड आता है। तो ये थे सारे तरीके सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहां कहां से आएगा। एक बार कुछ क्या कर लेते हैं, कहां कहां से पैसा आता है, बाय इशू ऑफ शेयर पहला ऑप्शन, बाय इशू